इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता की और इस संयुक्त पत्रकार वार्ता का सीधा प्रसारण अलग अलग रेल मंडलों में हुआ। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रेस वार्ता में नई रेल परियोजना से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी गई और बताया गया कि मध्य प्रदेश के लिए इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना कैसे फायदेमंद साबित होगी और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मार्ट की नई 300 किलोवाट की लाइन का अप्रूवल मिला है, उससे जैसा कि आप सबने सुना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि बताया गया इंदौर से मुंबई के लिए जो अभी रूट है डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर में कमी आएगी और लगभग 4.5 घंटे के समय में कमी आएगी। भोपाल के लिए इसमें ये फायदा है, हमें ये लाभ होगा क्योंकि हमारी एक लाइन है ग्वालियर मक्सी लाइन। ग्वालियर मक्सी लाइन है वो सीधे जाती है उज्जैन, उज्जैन से फिर उसे सीधा रूट मिलेगा उज्जैन से उज्जैन इंदौर और मुंबई का रूट मिलेगा। साथ ही जो हमारा रुठियाई से एक लाइन आती है कोटा रुठियाई की लाइन आती है और भी रामगंज मंडी की लाइन आने वाली जो ब्यारा राजगढ़ पे आएगी उसके लिए भी एक नया रूट मिलेगा जो कि सीधा सीधा मक्सी उज्जैन इंदौर मुंबई। तो हमें एक शॉर्ट रूट मिलेगा जिससे इसलिए जो क्षेत्र है इसका भी विकास होगा और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए नई सुविधा देने में रेलवे समर्थ हो पाएगी।